हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मायार सीजी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम अपनी दिन की शुरुआत है वो शंकर भगवान के मंदिर से कर रहे हैं। शंकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करके, ये बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। यहाँ पर छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, तो हमने प्रतिमा को प्रणाम कर लिया है, शंकर भगवान की जो मूर्ति है उसको। और ये है जहाँ हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ का गार्डन, वहाँ का ये परिसर है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरह का जो पेड़ पौधा लगा हुआ रहता है बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए, तो मैंने इसको थोड़ा कैप्चर कर लिया और ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। अब इस जगह की बात ही क्या कहे, यहाँ बस्तर में जहाँ भी रुको आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगा ही। अब हमारा निकलने का समय हो रहा है दोस्तों, तो हम निकलेंगे यहाँ से, आज जाएंगे तीरथगढ़ के लिए। हमारा बैग रेडी हो चुका है, कुछ बैग है जो नीचे चला भी गया है, कुछ को हम लेकर जाएंगे। तो एक बार पहले फिर से रूम को चेक कर लेते हैं, यहाँ कुछ छूटा तो नहीं है। वैसे तो मैंने सब पैक कर लिया है, फिर भी मैं वहाँ देखने गई थी कि कुछ छूटा तो नहीं है। अब हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं तीरथगढ़ के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। अब हमने तीरथगढ़ वाला रास्ता पकड़ लिया है दोस्तों। हम जिस होटल में रुके थे इसका जो मोड़ है, जो जाने की जगह है, वो लगभग 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं रहा होगा, तो ये अच्छी जगह मिली हमको रुकने के लिए। बहुत पास ही पड़ेगा यहाँ से, मुश्किल से ज़्यादा ये 10-12 किलोमीटर ही पड़ता है वहाँ से। तो हम निकल पड़े हैं तीरथगढ़ के लिए और रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह से है। चारों तरफ हरा भरा बड़ा बड़ा जो वृक्ष है वो है दोस्तों। यहाँ ज़्यादातर साल, साजा, सैगुन, इस तरह के वृक्ष है। अच्छा लग रहा है देखकर, बारिश के दिनों में सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इस रास्ते में हमको मंकी बहुत मिला दोस्तों, और ये है तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो। हम इसको दूसरे तरफ से देखेंगे, इस तरफ से इसका जाने का रास्ता नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। और ये रहा ब्रिज, ये जो पानी है यही जाकर आगे जलप्रपात बना रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ का खेत अच्छा लग रहा है, हरा भरा। और यहाँ पर काटा जा रहा है दोस्तों टिकट, तो हम सबसे पहले टिकट कटा लेते हैं। हमको टिकट का 50 रुपया लगा, यहाँ 50 रुपया ही है दोस्तों। बड़ी गाड़ी में अगर जैसे कोई आता है तो उसका 50 रुपया है, तो ठीक है 50 रुपया ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि दूसरे जगह पर मैंने और भी जगह पर सफ़र किया है तो कई जगह बहुत ज़्यादा रेट रहता है पर्सन के हिसाब से, प्लस गाड़ी का अलग लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ मेरे को ठीक लगा कि 50 रुपये में गाड़ी और व्यक्ति सबका एक साथ 50 रुपये लिया। और हम बस तीरथगढ़ पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। यहाँ से हमको पार्किंग का जो स्थान है वो दिखाई दे रहा है, हम बस तीरथगढ़ पहुँच ही गए हैं। और अभी है सुबह का समय, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, गाड़ियाँ दिख रही है वैसे 7-8 गाड़ियाँ हैं, पर ठीक है दोस्तों क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अच्छा है। सुबह सुबह का समय है, सुबह के शांत वातावरण में घूमो तो अच्छा ही लगता है। साथ ही मौसम बहुत साथ दे रहा है, बदली मौसम है तो गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है, नहीं तो चलो तो गर्मी आ जाती है शरीर में, तो ऐसे मौसम में अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं जलप्रपात की तरफ, और ये है यहाँ की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं दोस्तों। आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, साथ ही जैसे यहाँ का लोकल खाना आप खाना चाहें तो लोकल खाना आपको यहाँ मिल सकता है।
और जो शिवा है वो आगे आगे दौड़ रहा है और उसको दिख गया ये चेक पॉइंट वाला जो नाके में लगा होता है वो नाका। अब वो बार बार उसको देखकर यही बोल रहा है कि ये बंद है, ये बंद है। अब उसको नहीं पता कि हम साइड से भी जा सकते हैं, पर वो हमको बार बार यही बताएगा ये बंद है। अब बच्चे हैं दोस्तों, तो बच्चों को तो आप जानते हो जो बंद है मतलब बंद है। तो हम उसको बता रहे हैं कि हम साइड से जा सकते हैं बेटा, तो चलो आगे चलते हैं। और वो खुश है क्योंकि उसको हमने छोड़ दिया है, तो अपने से वो चल रहा है इधर उधर दौड़ते हुए और साथ में इधर उधर खिलौने भी दिखा रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं खरीदेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको नीचे उतरना है तो ज़्यादा सामान हाथ में ना हो तो ही अच्छा है। बाकी यहाँ अधिकतर आपको बांस से बनी हुई चीज़ें मिलेगी और इस तरह पानी बॉटल वगैरह है, आप अपने साथ पानी बॉटल कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने साथ अपने घर से भी ला सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह से है, इस तरफ जो रास्ता दिखाई दे रहा है जो घिरा हुआ है वो ऊपर की तरफ से है, मतलब आप ऊपर से देख सकते हैं उस रास्ते में अगर जाएंगे तो। और ये जो एंट्री गेट है यहाँ से नीचे जाया जाता है, तो हम इधर से अब नीचे की तरफ उतरेंगे। ये अब नीचे उतरना शुरू करते हैं। यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत सुकून दे रहा है। क्योंकि जब हम सीढ़ी उतरते हैं या चढ़ते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है, पर वो गर्मी हमारे शरीर में नहीं आ रही है क्योंकि इतना ठंडा हवा चल रहा है। क्योंकि मौसम भी अभी बदलने वाला है, बारिश भी हो रही है कई जगह पर, यहाँ भी हो सकती है, अभी तो फ़िलहाल हुई नहीं है, हो सकती है। इसीलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम हमारा साथ दे रहा है। तो चलिए हम अपना जो नज़ारे का लुत्फ़ है वो उठाते हैं। और यहाँ से हमको जो है जलप्रपात दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, आवाज़ बहुत आ रहा है दोस्तों पर मैंने इसे म्यूट किया है। तो देखिए आपको भी अब आवाज़ आ रही होगी, तो आप भी झरने का लुत्फ़ उठाइए। और अब हम आगे चलना शुरू करते हैं। यहाँ जो कोई भी आता है दोस्तों, इस सुंदर से दृश्य को कोई भी अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह सकता। हर कोई इस प्रकृति के जो सुंदर नज़ारे हैं उसको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, करते भी हैं, तो करना भी चाहिए क्योंकि ऐसी जगह हमको बार बार देखने नहीं मिलेगी। तो अच्छा लगता है ऐसे जगह पर जाकर जो वीडियो बनाना या फ़ोटो खिंचवाना। आप भी कभी आइए घूमने अपने फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ पर पहाड़ों का पानी रिझता हुआ आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पत्थर में छोटे छोटे जो पौधे हैं वो जगे हुए हैं और उस पर पानी पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और चलते हैं फिर नीचे की तरफ। और ये देखिए नीचे आने के बाद का नज़ारा, शिवा और शिवा के पापा बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाते आ रही थी इसलिए पीछे हो गई हूँ। तो मैं भी चलती हूँ वहाँ पर। और नीचे आने के बाद ये नज़ारा देखिए,
कितना खूबसूरत सा दृश्य है दोस्तों। पानी कितनी तेज़ी से ऊंचाई से नीचे आ रही है और ठीक इसी ऊंचाई से ये और नीचे जाती है। हमने तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमारे साथ है बच्चा और उसको भी देखना पड़ता है, और ये जगह अभी ज़्यादा इधर उधर करने के लिए ये नहीं ठीक नहीं है दोस्तों। मतलब छोटे बच्चे को लेकर ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि फिसलन वाली जगह है, तो थोड़ा सा सावधानी तो बरतना ही पड़ता है। पता चला वीडियो के चक्कर में हम अपना नुकसान ना कर बैठे, तो यहीं से मैं इस दृश्य को दिखाती हूँ, इस नज़ारे को दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, लोग जो हैं नहा भी रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा रिस्की है दोस्तों क्योंकि पानी का लेवल अभी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा संभल कर कभी भी जैसे आते हैं तो। तीरथगढ़ के इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग काफ़ी संख्या में आते हैं दोस्तों। वैसे तो बस्तर की खूबसूरत वादियों में छोटे बड़े बहुत से जलप्रपात बनते हैं, कुछ बारिश वाले हैं और कुछ बारह महीना होते हैं, बारह महीना जिसमें पानी बहता है। तो कभी आप भी आइए, इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए और मैं भी इस खूबसूरत से नज़ारे का आनंद लेती हूँ दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर। अब हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो गया हमको यहाँ पर आए। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखिए जिस जगह से हम होकर गुजरे थे, अब मेरा बेटा यहाँ पर थोड़ा सा पानी खेल रहा है, उसको थोड़ा सा इंजॉय करने देते हैं। तो है हम तीरथगढ़ से निकलते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं कांगेर घाटी, जो जंगल है वहाँ पर आ गए हैं, कांगेर घाटी जो टिकट काउंटर है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है कुटुम्बसर जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है दोस्तों, तो हमने उनसे पूछा कि ये कब खुलेगा क्योंकि अभी ये बंद है, कुटुम्बसर गुफा भी बंद है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये 2 अक्टूबर को खुलता है। तो आप अगर कभी भी कुटुम्बसर गुफा घूमने के लिए आने वाले हैं तो 2 अक्टूबर के बाद ही आए दोस्तों, क्योंकि अभी बारिश का समय है तो कहीं ना कहीं वहाँ पानी भरा होगा, तो अभी वो बंद है। बाकी हमने यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचा ली क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पेड़ है और घना जंगल है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम यहाँ से भी निकलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अपने घर को। और चलते हुए हम जगदलपुर बस्तर सभी रास्तों को पार कर अब आ चुके हैं हम केसकाल घाटी में। हम जाते समय भी केसकाल घाटी तरफ से ही गए थे, बस जाते समय हम जगदलपुर नहीं गए थे, हम बीच से ही कट गए थे, पर आते समय जगदलपुर होते हुए आए। और ये रहा केसकाल घाटी, इसके बाद हम अपने शहर को पहुंच जाएंगे, जो कि हमने सब रास्तों को पार कर अपने शहर में प्रवेश कर लिया है दोस्तों। और आज है बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़े त्यौहार का दिन, क्योंकि आज हमारे शहर में झांकी निकल रही है, तो जगह जगह डीजे झांकियां सब तैयार हो रही हैं, सच कर तैयार हो चुकी हैं। रात को जो है 11 बजे के बाद यहां झांकी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जो बस्तर की यात्रा मैंने आपको करवाई, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।